नमस्कार दोस्तों, मैं सरला आप सभी का स्वागत करती हूँ सरला क्लासेस चैनल पर। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेडिकल और नर्सिंग से जुड़ी सभी जानकारियां आप लोग को सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा है या फिर मैंने कहीं पढ़ा है कि सभी को इस के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है या फिर एक क्वेरी होती है। वो जानना चाहते हैं कि अगर किसी का हाथ पैर कट जाए, दोनों ना हो, तो बीपी कैसे ले। वैसे तो ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है कि किसी के दोनों हाथ और पैर भी ना हो, तो फिर भी एक मतलब क्वेरी होती है। वो जानना चाहते हैं या सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है कि हम कैसे बीपी ले सकते हैं। नॉर्मल बीपी के बारे में आपको पता ही होगा कि हम स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज करके हम पेशेंट का बीपी लेते हैं, जिसमें हम स्टेथोस्कोप का भी यूज करते हैं और इसके थ्रू जो मरकरी होता है उसके अप एंड डाउन एंड अपने पल्स रेट को हम सुन करके क्या करते हैं, बीपी लेते हैं। लेकिन अगर क्योंकि हम उसको हाथ में कफ लगाकर यूज करते हैं, जैसा कि मैं यहां पर दिखा रही हूं, आप देखिए इसमें हम कफ लगाकर यूज करते हैं, लेकिन अगर हाथ ना हो और पैर ना हो, क्योंकि पैरों से भी बीपी लिया जा सकता है क्योंकि वहां पर भी हम पल्स लेते हैं, तो अगर वो ना हो तो आप कैसे बीपी लेंगे। तो इसका जवाब है कि आपने एक लाइन के बारे में सुना होगा जिसे हम कहते हैं आर्टेरियल लाइन। आर्टेरियल लाइन आपने आपको लगा होगा कि हाँ मैंने सुना है इसके बारे में, तो हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ कि आर्टेरियल लाइन के थ्रू भी हम बीपी लेते हैं। और ये हाँ, तो मैं यहाँ पर जो दिखा रही हूँ वहां पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसे क्यों हाथों में लगाया है, लेकिन जब आपने CAG या एंजियोप्लास्टी के बारे में सुना होगा उस समय आपने देखा होगा कि पेशेंट के थाई के पास या फिर इंग्वाइनल एरिया के पास में आर्टेरियल लाइन लगाकर या फिर कभी कभी जो कंधे पर लगाकर एक लाइन लगी होती है जिसके थ्रू बीपी लिया जाता है, उसमें आर्टरी का प्रेशर देखा जाता है। और इसमें ये एक सर्जरी के माध्यम से होता है, ऐसा नहीं कि आप इस स्फिग्नोमैनोमीटर लेके आ गए, पेशेंट को बुला लिए और उसके साथ आपने जो ब्लड प्रेशर की जो प्रोसीजर है वो कर लिया। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको एक सर्जरी की आवश्यकता होती है क्योंकि आप इसमें एक हेल्दी आर्टरी की आवश्यकता होती है, जिसमें कि आप लाइन लगा करके या आर्टेरियल लाइन लगा करके आप क्या कर सके, बीपी ले सके। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये आपको क्लियर किया कि अगर किसी के दोनों हाथ पैर ना हो तो हम कहां से बीपी लेंगे। तो इसका जवाब है आपका आर्टेरियल लाइन के थ्रू हम पेशेंट का बीपी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और सब्सक्राइब कर दे सरला क्लासेस को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।